हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने सैम्पल पेपर आईटी के 20 क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं अब 21 क्वेश्चन पे। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज, तो यहाँ पे एक तो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर जो है बैकएंड का काम करता है, क्लाइंट जो होता है वो फ्रंट एंड का काम करता है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टूल है जो कि फ्रंट एंड को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आए तो वो फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं और जो सर्वर्स होते हैं वो बैकएंड पे वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ टेबल इज़ अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो टेबल आपको पता है क्या होता है। टेबल जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, अगर हम वर्टिकली बात करें तो वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम का दूसरा नेम फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी आ सकता है। जैसे इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 कॉलम्स हैं। तो वर्टिकली बात करें तो कॉलम आ जाएगा, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है। कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोज, रोज को बोलते हैं रिकॉर्ड्स और टपल्स। आपको कुछ भी आ सकता है, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 4। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्टिकली कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। डैश इंक्लूड्स फॉन्ट्स अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, नंबर फॉर्मेट्स एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करी थी। सारे स्टाइल्स मैंने आपको अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, क्योंकि स्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 24। बाय डिफॉल्ट शीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ स्प्रेडशीट। तो जब भी आप स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो शीट टैब होती हैं वो बॉटम पे आती हैं। जब भी आप न्यू स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो सबसे बॉटम पे आप देखेंगे, सबसे नीचे की तरफ जो शीट्स होती हैं जिसका बाय डिफॉल्ट है स्प्रेडशीट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉटम। जैसे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है, सबसे नीचे बॉटम पे शीट्स का नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 25। द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर अ सेल रेंज। अगर आप पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं B2 to B15, तो वो किस टाइप से सेल रेफर होके आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन। डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर एंड रिलेटिव टू टेक्स्ट। तो ये सारे चारों ऑप्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताए हैं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पर क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि ग्राफिक कैसे अरेंज हुए हैं एक के ऊपर एक, स्टैक्ड यानी कि एक के ऊपर एक कैसे हुए हैं, तो वो होता है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सेक्शन बी हमारा खत्म हो जाएगा। सेक्शन सी पर चलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमनी स्टूडेंट। तो किस उसको एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को एक मेल सेंड करना है, इनवाइट करना है हर स्टूडेंट को। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम एक ही लेटर को बंच ऑफ द पीपल के पास सेंड कर सकते हैं। मतलब हमें बार बार सेंड करने की ज़रूरत नहीं है सेम लेटर। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार टाइप करेंगे और बहुत सारे लोगों के पास, बंच ऑफ द पीपल के पास उसको सेंड कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल मर्ज। वर्ड प्रोसेसर के अंदर मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसको हम बंच ऑफ द पीपल के पास सेंड करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रीशा इज़ अ बुक एडिटर, शी वॉन्ट्स टू चेंज द इंटेंडेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स। यानी कि प्रीशा जो है एक बुक एडिटर है, तो बुक में जितने भी पैराग्राफ हैं वो उसको चेंज करना चाहती है। बुक के पैराग्राफ के फॉन्ट को वो चेंज करना चाहती है, टाइटल्स को वो चेंज करना चाहती है। तो इसमें वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगी, तो इसमें वो स्टाइल्स ऑप्शन यूज़ करेगी। स्टाइल जो है आपको ध्यान रखना है एक लॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। हमें हमेशा पैराग्राफ में हमें फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन करा, बोल्ड करा, सेंटर्ड करा, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसको सिर्फ एक टाइटल नाम का स्टाइल बनाना है और उस स्टाइल को इनबिल्ट करना है अपनी बुक में। तो इससे जो है वो टाइटल जितने भी होंगे पैराग्राफ में, जितने भी टाइटल होंगे, उन सब का फॉन्ट, बोल्ड, करेक्टर सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टाइल्स। इसके अलावा टेम्पलेट, कंसोलिडेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया है जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
29, गौरव हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट. गौरव ने एक इमेज इंसर्ट करी है अपने डॉक्यूमेंट में. अब वो इमेज का अनवांटेड एरिया जो है उसको रिमूव करना चाहता है. तो बहुत ईजी है, काफ़ी बच्चों ने किया होगा. इसका आंसर क्रॉप होगा. नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर. हेमा इज़ अ चार्टर्ड अकाउंट, शी यूज़ टू मेंटेन द अकाउंट इन अ स्प्रेडशीट एवरीडे बेसिस. यानी कि वो एक सीए है और वो एक नंबर ऑफ स्टेप्स जो है बार बार रिपीट करती है जब भी वो अपनी स्प्रेडशीट ओपन करती है. तो उसको मैक्रो यूज़ करना चाहिए. मैक्रो क्या करता है, हमारे सीरीज ऑफ कमांड को सेव कर लेता है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. जब भी हम अपनी स्प्रेडशीट ओपन कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ टास्क जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो उसको सेव कर लेता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, यूजिंग मैक्रो. मैक्रो के अकॉर्डिंग वो अपने काम को अच्छे से कर सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 31, राज हैज़ क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज़ एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय. यानी कि राज ने एक वर्कशीट क्रिएट करी है जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय का डेटा जो है वो सेव करना चाहता है. तो इसलिए उसको ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, वो ट्रैक चेंज करेगा ताकि वो जितने भी चेंजेस उसके एम्प्लॉय कर रहे हैं वो चेक कर सके कि कौन कौन से चेंजेस उसकी शीट्स में हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस उसके एम्प्लॉय ने उस शीट में किए हैं. तो ट्रैक चेंजेस इसका आंसर है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अक्षत वॉन्ट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हिज डेटाबेस. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के डेटाबेस होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस. दोनों में बहुत ज़रूरी है आपको डिफरेंस पता करना. जो फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है वो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली सिंगल टेबल में स्टोर होता है. तो यहाँ पे हम तब चूज़ करते हैं जब हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ही कम डेटा है, तब हम फ्लैट फाइल यूज़ करते हैं ओनली. रिलेशनल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डेटा हो बहुत सारा हो, ज़्यादा हो. इसके लिए हमें मल्टीपल टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम रिलेशनल की तरफ जाते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल होती हैं और इसमें जो बहुत सारी टेबल होती हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप होती हैं थ्रू अ कॉमन फील्ड. यानी कि हर टेबल में एक कॉमन फील्ड होगा जिसके थ्रू वो सारी टेबल्स आपस में लिंक्ड होंगी. तो अगर हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो हम रिलेशनल डेटाबेस ऑप्शन चूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड हर फ्रेंड टोल्ड हर टू हाउ टू रीनेम अ स्प्रेडशीट. क्योंकि जब भी हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं अगर हम उसका रीनेम करेंगे तो हम इजिली वर्क कर सकते हैं. तो इस तरह से उसने जब अपने ब्रदर को ये बताया तो उसके ब्रदर ने उसे ये बताया कि रीनेम करने के वर्कशीट को अलग अलग तरीके होते हैं. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टोटल 3 वेज होते हैं. सबसे पहला, या तो आप अपनी वर्कशीट के ऊपर डबल क्लिक करें और उसमें आप अपना रीनेम कर दें, जो भी आपको नाम जो है अपनी वर्कशीट का देना है. डबल क्लिक इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन जो है होता है राइट क्लिक. अपनी जो वर्कशीट है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसमें जो ऑप्शंस आते हैं उसमें से आपको रीनेम वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना है और वहाँ पे जो है टाइप करना है जो भी आपको अपना वर्कशीट का नेम चेंज करना है. तो इस तरह से 2 तरीके हैं. कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. एंड थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन जो है, हम अपनी वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद शीट ऑप्शन पे जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू पे. जैसे आपको पता है फॉर्मेट मेन्यू होता है, उसके अंदर शीट ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जो सब मेन्यू है वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है. ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है रीनेम करने का. तो ये पूरी सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट मेन्यू में शीट्स वाला ऑप्शन आता है जिसमें सब मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा. उसमें रीनेम ऑप्शन पे जाकर आप अपनी वर्कशीट का नेम ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. इसी के साथ वीडियो जो है हमारा सैम्पल पेपर ख़त्म हो गया. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके अलावा कोई भी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए.